जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एसके क्लासेज राज में। साथियों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो विद्यार्थी 10th पास करने के बाद में आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है नेवी की तरफ से। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो नेवी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है उसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है और कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ सके। ठीक है साथियों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट के पोस्ट के लिए। यहां पर आप देखेंगे ऑनलाइन जो आपके फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्टेड किए जाएंगे, जो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा ट्रेड्समैन मेट के लिए। यहां पर देखेंगे जो एग्जाम आपको होने वाला है साथियों, ये आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस फॉर्म का अगर आपको अप्लाई करना है तो ये चीज ध्यान से आप देख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में आपका इसमें एग्जाम होगा और पोर्ट ब्लेयर में आपकी इसमें पोस्टिंग रहने वाली है। तो इसको आप ध्यान से देखकर वो फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आपको वहां जाना है फॉर्म फिलअप करिएगा, अदरवाइज फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे साथियों, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो यहां पर इसकी जो वेबसाइट दी गई ऑनलाइन मोड, यहां से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। उसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे इसकी जो टोटल पोस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट रहने वाली है जिसमें ग्रुप सी के अंदर इसको रखा जाता है। इसका जो बेसिक पे रहने वाला साथियों, 18,000 से लेकर 56,900 तक इसका बेसिक पे रहने वाला है। इसमें जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा पेमेंट बढ़ता जाएगा। उसके बाद में इसकी जो टोटल पोस्ट है आप देख सकते हैं 362 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है, जिसको सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ट्रेड्समैन मेट की दो प्रकार की यहाँ पर पोस्ट रखी गई, एक एनएडी के अंदर रखी गई जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर एनएडी है, वहाँ पर इसमें पोस्ट रहने वाली जो कि 24 पोस्ट यहाँ पर आपकी रखी गई है, सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, इसके अलावा अदर यूनिट है वहाँ की जो पोर्ट ब्लेयर में, उसमें भी आपकी पोस्ट रहने वाली है। वो रहने वाले 338 पोस्ट है वो रहने वाली, सभी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। और ईडब्ल्यूएस वाले जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनकी अलग से पोस्ट यहां पर रखी गई है। ये सभी पोस्ट यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें साथियों, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें बताया गया है नोट, यहां पर आप देखेंगे इसमें टोटली आपके 52 आईटीआई जो ट्रेड है वो दी गई है, जो कि आप देखेंगे 19 नंबर का जो आपका पॉइंट है उसमें यहां पर ट्रेड दिखाई गई है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी ट्रेड आपकी इसमें रहने वाली है। तो अगर आपकी वो ट्रेड है तो ही आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, अदरवाइज इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से ट्रेड है, यहां पर देख सकते हैं जो भी आपके ट्रेड है यहां पर इसमें देख लें, कारपेंटर दे रखी है और इसमें ड्यूरेशन भी आपका दे रखा है, कब तक आपके इसमें सेमेस्टर का दे रखा है और आपका इसमें एनुअल भी दे रखा है। जो भी आपके ट्रेड है यहां पर आप देख के चूज कर लेंगे। अगर इसमें आपकी ट्रेड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में इसमें रख लेना, आपकी 10th पास होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी जो आईटीआई ट्रेड्स इसमें दी गई है वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक साथियों, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया कुछ ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी का कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, उसको आप देख के रीड कर लेंगे। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर आप देखें कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो ईडब्ल्यूएस है SC ST वाले हैं OBC वाले हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है, एक सर्विसमैन वालों को भी अलग से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख के रीड कर लेंगे, पूरा इसमें मैं आपको डिटेल से समझा रखा है। इसकी अप्लाई करने की एज की बात करें साथियों, एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है 18 से लेकर 25 साल आपका इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन वो मिल जाता है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया उसमें 10th आपके पास होने चाहिए, उसके बाद में जो दी गई ट्रेड्स है, जो 52 ट्रेड्स मैंने आपको बताई है, वो ट्रेड्स आपके पास अगर सर्टिफिकेट है NTC का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th प्लस आपके पास में ITI होनी चाहिए जो दी गई ट्रेड्स है यहाँ पर, उसमें तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, इसमें आपके नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, कौन कौन से आपके वहाँ पर काम करवा सकते हैं, तो पूरा आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बारे में अगर ज्यादा ही आप कमेंट करते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के बता दूंगा, उसमें क्या क्या आपके जॉब प्रोफाइल रहने वाली, कैसे कैसे आपको काम करवाया जाता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर छाप दीजिए। ठीक साथियों, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में कुछ नोट दिए गए हैं, और एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बताया दिया है, जिसमें SC ST वालों को 5 साल का मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल का मिल जाता है। PWD अगर आप हैं तो उसमें आपको देख सकते हैं 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको भी यहाँ पर अलग से दिया गया है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से हैं सेंटर के उनको यहाँ पर 40 साल की एज तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद में 1:25 में आपका जो फॉर्म है वो स्क्रीनिंग किए जाएंगे, यानी कि अभी आपने देखा होगा मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकाली गई थी 112 वैकेंसी, उसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए थे कैंडिडेट जो कि 10th और
क्राइटेरिया के आपके जो मार्क्स है उसके आधार पर इसमें शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं, उन्हीं के आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाले जाएंगे। ठीक है साथियों, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद में आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला, रिटर्न एग्जाम आपका होगा 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आपके टोटली 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, और 25 रहेंगे इंग्लिश के, और 25 रहने वाले न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। ये आपका सिलेबस इसमें बताया गया है, इस सिलेबस को आप यहाँ पर देखेंगे, पूरा डिटेल से भी समझाया गया है, तो आप डिटेल से इस सिलेबस को देख के और आराम से रीड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट के साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे ही इसका एग्जामिनेशन डेट आएगा, उससे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टेड आएगी, तो उसके बाद में इसकी जो लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर जाइएगा। एडमिट कार्ड का जो प्रोसीजर रहेगा वहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे, जो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे फॉर्म भरते टाइम, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और आपकी जो एग्जाम मैंने आपको बता दी पोर्ट ब्लेयर में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, वहीं पर आपकी सर्विस होने वाली है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखिए और फिर फॉर्म भरिएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको बताया है पोर्ट ब्लेयर में, आपका इसमें एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, उसको देख लीजिएगा पहले ही। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, फॉरम की ओपनिंग डेट है, वो 26 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 25 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म लास्ट डेट रहने वाली है। जितना जल्दी हो सके साथ ही इस फॉरम लाइक कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि क्योंकि ये जो फॉरम जब स्टार्ट होंगे उसके बाद में इसकी जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर तरीके से चलेगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस फॉरम को अप्लाई कर दीजिएगा। फॉरम जैसे ही अप्लाई हो जाएंगे साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका प्रोसीजर आपको इस दी गई लिंक पर मिल जाएगा, और हम इसका एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के बता दूं कैसे कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, तो पूरा यहाँ पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। इसके बाद में साथियों आपको देखने को मिल जाता है जो भी आपके जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने जो फॉर्म भरते टाइम में डाले हैं, वही आपके जो मैसेज है उस पर आने वाला है, तो इसमें सोच समझ के आपके मोबाइल नंबर और जो जीमेल आईडी है वो सही से आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है जब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम। ये साथियों क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितने जो इसमें क्राइटेरिया दे रखा है, कितने केबी में अपलोड करना डॉक्यूमेंट, सभी यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको भी आप यहाँ पर रीड करके फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा। ट्रेड्स मैंने आपको बताई थी साथियों, कौन कौन से ट्रेड्स आपकी रहने वाली है, तो उसको एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको रीड करके पूरा आप देख सकते हैं। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है नेवी ट्रेड्समैन मेट के लिए, जो कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से ये वैकेंसी रहने वाली है, तो ये जो मौका इसको गवाइएगा मत साथियों, क्योंकि बार बार वैकेंसी आने वाली नहीं है। काफ़ी साथी बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर अगली जो नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट की वो कब आने वाली है, तो अच्छी खासी आपके लिए बहुत ही खुशखबरी निकल के आ गई है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।